अब देखिए सारे गिरा दिए हैं, ये बनाने में भी 8,000-10,000 रुपया खर्च हो जाता है, 5-7-10 दिन समय लग जाता है आदमी को, ये सारी दिखते हैं ऐसे टाइम में चारना के लिए लोग तरस रहे हैं। बस्ती में करीबन 600 परिवार रहते हैं और लगभग 2,500-3,000 लोग बस्ती में रहते हैं। हमने वहाँ के लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि जो कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं उनका कहना है कि आप लोग गैर कानूनी रूप से यहाँ पर बसे हुए हो इसलिए आप लोग को हटाया जा रहा है। भैया कहाँ जाए, हमारा तो कोई भी नहीं, बेटा भी जवान मर गया, आदमी भी नहीं, मैं करो सारे जीव कैसे रहूं, कहाँ जाऊं, सर छुपाने की जगह रहो भी सरकार छीन ले रहा हूँ, कहाँ जाए, मेरे कोई नहीं आगे पीछे, दिहाड़ी कर करके किसी तरह मजदूरी करके खाए जी रहे, किसके कमाई में कहाँ लेके जाए, कोरोना में कोई कमरा खाली नहीं दे रहा, दरवाजे नहीं खोल रहा, मैं किसका दरवाजा खटकाऊं, ये मिलने भी मना कर दिया कि हम नहीं सहायता कर सकते, चलो तुम्हें रैन बसेरा, कितना दिन हम रैन बसेरा गुजारा करेंगे बताओ आप, भूखे प्यासे 2 दिन से हम लोग दौड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हमारी, कहीं भी नहीं हो रही है, किसके पास जाए, जाओ हमको बताओ, हम वही जाते हैं। जब हमने बस्ती में देखा जो वहाँ पर जो नोटिस जो म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस ने लगाया हुआ था वो नोटिस वैध नहीं था, बस्ती के जैसे ही बस्ती में हम जाते हैं वहाँ पर बस्ती में पानी भरने की जगह है जहाँ से बस्ती के लोग पानी भरते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक नोटिस लगाया हुआ था। उस नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 24, 25, 26, 27 तारीख को बस्ती को वहाँ से तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और सभी व्यक्ति अपना सामान वहाँ से ले जाएं। जो एनजीटी है एनजीटी के ऑर्डर के अधीन वहाँ पर जो डेमोनस्ट्रेशन ड्राइव है वो चल रही है, लेकिन कहीं पर भी ना उस एनजीटी ऑर्डर का नंबर था, ना डेट थी, ना ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर थे, ना ही किस डेट पे वो नोटिस लगाया गया उसकी कोई जानकारी उसमें थी, यानी इससे पता लगता है कि वो नोटिस कहीं से भी वैध नहीं था, लोगों को किसी भी तरीके से वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये नोटिस की बात है। अब हम कानूनी बात करते हैं, अगर ये एनजीटी का ऑर्डर था, एनजीटी ने अगर ऑर्डर दिया था, जो पर्यावरण संबंधी जितने भी ऑर्डर एनजीटी देती है, जो हरिओम है जो ज्वाइंट कमिश्नर है म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो कहते हैं कि एनजीटी के ऑर्डर फरवरी के ऑर्डर में हमने लोगों को यहाँ से निकाला है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कौन सी ऐसी ज़रूरत थी जो आपने जल्दबाजी में लोगों को निकाला, क्या आपकी मंशा लोगों को रिहैबिलिटेट करने की थी या नहीं थी, अगर रिहैबिलिटेशन करने की थी तो उनका रिहैबिलिटेशन कहाँ किया गया, क्या पॉलिसी है और आपके पास वो कौन सा नोटिस है जिसके अंतर्गत आपने कार्रवाई की है, आपने मीडिया में बोला है लेकिन आपने कहीं पर भी इस चीज़ को नहीं लिखा है। Thank you.